चार है, क्या क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसको हम ड्रेसिंग ऑफ दी ओर भी कहते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं, और उसको हम एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, ये अक्सर मेटलर्जी में होता है, वो है रोस्टिंग ऑफ द ओर, रोस्टिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, और कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ये कॉन्सेंट्रेशन के बाद आता है, विच एवर इज रिक्वायर्ड, विच एवर इज रिक्वायर्ड, यानी जिसकी ज़रूरत हो, दो में से एक होगा। तो अभी इनको दोबारा रिवाइज कर देंगे, फिर अगर रिडक्शन ऑफ ओर, ये मेन स्टेप है, रिडक्शन ऑफ ओर। ये स्टेप वहीं आता है जहाँ ओर कंपाउंड की शक्ल में, जहाँ ओर मेटल की शक्ल में है, तो वहाँ पे दो स्टेप में काम ख़त्म हो जाएगा। कौन से? आपने अनवांटेड मटेरियल हटा दिया है ना, उसके बाद उसमें हीट मॉइस्चर वगैरह वो हीट करके निकाल दिया, तो यू विल गेट मेटल डायरेक्टली, क्योंकि वो ऑलरेडी मेटल की फॉर्म में है। लेकिन अगर कंपाउंड की शक्ल में ओर है, तो उसको हमें मेटल में बदलना होगा, और उस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल। ये डिपेंड करता है, ये भी हम इस पर आएंगे, इनकी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। और चौथा स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब पहले वाला जो स्टेप है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, ये डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर जिस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ओर एंड नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, ओर और इम्प्योरिटीज, उनको देख के डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि इम्प्योरिटीज आंखें बंद करके यूज़ कर लें, ओर कैसी है और इम्प्योरिटीज कैसी हैं, नेचर ऑफ ओर एंड नेचर ऑफ गैंग, नेचर ऑफ जो इम्प्योरिटीज से गैंग कहते हैं, यानी इसका जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल है डिफरेंस इन ओर, डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग, डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग, यानी ओर और गैंग के बीच में जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस, इसको एक्सप्लेन हम करेंगे बाकी उससे, इस एग्जाम्पल से द प्रिंसिपल। अब आपसे पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर इज बेस्ड ऑन व्हाट इज प्रिंसिपल, डिफरेंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ, उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसकी है हैवी ओर, अगर ओर हैवी है ठीक है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड इस सेपरेटेड बल्कि लिखना चाहिए, सेपरेटेड फ्रॉम लाइटर गैंग, यानी गैंग लाइट हो, सेपरेटेड फ्रॉम लाइटर, ओर हैवी थी गैंग लाइटर थी यानी हल्की, तो पानी बहुत फास्ट स्पीड से बहाया जाता है, तो गैंग लाइटर थी वो बह जाती है, तो हैवियर ओर, हैवियर ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम लाइटर गैंग बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये जो प्रोसेस यहाँ यूज होता है, क्या होता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द आयरन की ओर, यूरेनियम ओर, लेड की ओर, दे आर हैवी मेटल्स, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या करा जाता है? ओर को पाउडर बना के, क्रशन पाउडर करके, हम एक स्लोपी प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं, जिसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं जगह जगह पर, और वहाँ ओर का ढेर रख देते हैं, और जब फास्ट मूविंग वाटर उसमें अलाउ किया जाता है, पास तेज़ी से पानी बहाया जाता है, तो लाइटर गैंग लाइक सैंड एक्सेट्रा, वो हल्की होती है, पानी तेज़ी से बहता हुआ आ रहा है, तो लाइटर गैंग वॉश्ड अवे, वो पानी के साथ बह जाती है, और जो होती है वो वहीं रहती है बिकॉज इट इज हेवियर। जैसे कमरे में आपकी मिट्टी पड़ी हुई है, और साथ में कुछ वो भी पड़े, जूते या स्टूल या कोई और चीज़ें भारी भारी पड़ी हैं, जब आप पानी बहाएंगे तो क्या बहेगा?
मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी, जो दूसरी भारी चीज़ें वो नहीं बहेंगी। तो इसके जो डिफरेंट इसमें है, तो पहली बात तो ये कि इसको एक्सप्लेन करना है कि द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग ओर फ्रॉम गैंग इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग। डिफरेंस का मतलब एक वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दूसरी वो प्रॉपर्टी, तो ओर हैवी है, गैंग लाइट होनी चाहिए, दोनों हैवी हैं, कोई भी नहीं सेपरेट होगा, दोनों लाइट हैं, दोनों बह जाएंगे तेज पानी में, एक हैवियर होनी चाहिए और एक, हाँ, अब हैवियर और लाइटनेस का पता स्पेसिफिक ग्रेविटी से चलता है, जिस स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है तो हैवी होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो लाइट। समझ में आई बात ये? अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉडी याद न रहे तो ओर शुड बी हैवी देन गैंग, गैंग शुड बी लाइटर, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ओर शुड बी मोर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैंग। पॉइंट समझ में आ गया ये? तो इसी तरह मैग्नेटिक ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक गैंग। अब देखो आयरन की ओर को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग से भी कर सकते हैं, खासतौर से हेमेटाइट वगैरह, वो भारी होती हैं, और गैंग जो होती है वो रेत की शक्ल में, मिट्टी की शक्ल में होती है। तो जब पानी बहाएंगे तो पहले पाउडर करते हैं, क्रश्ड एंड पाउडर ओर रखी जाती है प्लेटफॉर्म पे, तो पानी बहाएंगे तो जो मिट्टी है और जो रेत है वो बह जाएगा, ठीक है। लेकिन आयरन की एक ओर है मैग्नेटाइट, वो मैग्नेटिक होती है, उसको भी हम ऐसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं क्योंकि वो भी हैवी है, लेकिन उसका ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा अगर हम उसे मैग्नेटिक सेपरेशन से करें। तो उसमें क्या यूज़ करेंगे? मैग्नेटिक ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक गैंग, फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक गैंग, इसको कहते हैं बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, बाय इस मेथड को कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसमें कौन सी ओर है जो इस मामले में इसका नाम याद रखना है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आयरन से एक ओर जो ज़मीन से निकलती है Fe3O4, उसका बेसिक फॉर्मूला उसमें कंपाउंड का जो ओर की शक्ल में निकलता है। एक बात याद रखिएगा, इसे मैग्नेटाइट जब भी कहेंगे Fe3O4 को जब ये ज़मीन से मिट्टी से निकला है, तब ओर का नाम लेंगे जो ओर का नाम जनरली लिया जाता है। लेकिन अगर ये केमिकल बनाए, जैसे जो रिएक्शन से बनता ही है, किसकी रिएक्शन से बनता ही है? आयरन स्टीम इज पास ओवर रेड हॉट आयरन, तो Fe3O4 बनता है, तो उसको हम फिर मैग्नेटाइट नहीं कहेंगे, फिर हम कहेंगे आयरन 2,3-ऑक्साइड आयरन, क्योंकि इसमें इस फॉर्मूले के अंदर जो आयरन के अंदर जो एटम्स हैं उसमें दो एटम, दो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले एटम भी हैं और तीन इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले एटम भी हैं, तो वैलेंसी दो भी है और तीन भी है, तो इसको बोलते हैं आयरन 2,3-ऑक्साइड। पहले इसको हम कहते थे फेरस ओ फेरिक ऑक्साइड, यानी जो एटम जिसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो फेरस ऑक्साइड है, जिसने तीन इलेक्ट्रॉन लूज किए वो फेरिक ऑक्साइड है, लेकिन जब ये दोनों कम्बिनेशन में बनते हैं तो ये नया ऑक्साइड बन जाता है, फिर डबल ऑक्साइड कहते हैं, जिसे कहते हैं फेरस ओ फेरिक ऑक्साइड। लेकिन अब जो है वो फेरस ओ फेरिक ये वर्ड हटा के वैलेंसी यूज़ करते हैं जो उसमें यूज़ हुई है, तो दो या तीन दो और तीन वैलेंसी यूज़ हुई है, तो Fe3O4 जब केमिकली बनता है तो आयरन 2,3-ऑक्साइड कहलाता है। आयरन ऐसे लिखते हैं, आयरन 2,3-ऑक्साइड, पहले फेरस ओ फेरिक ऑक्साइड, लेकिन जो ज़मीन से निकला उसे मैग्नेटाइट कहते हैं, तो ये मैग्नेटिक होता है। तो इफ द ओर इज मैग्नेटिक एंड गैंग इज, तो डिफरेंस इन प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो इट इज सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसमें करते क्या है, इस मेथड के अंदर इसको मैं रब कर दूं, इसमें क्या करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म होता है, एक दो रोलर होते हैं, उनके ऊपर एक बेल्ट घूम रही है, बहुत बहुत चौड़ी सी बेल्ट होती है, रोलर्स के ऊपर घूमती है, उसमें एक जो रोलर होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट फिक्स होता है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब हम करंट पास करेंगे तो मैग्नेट बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता है, जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो वीक होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक में फिक्स होता है। अब इसमें हमने ओर डाल दी, ये ओर डाल दिया, जब हम ओर डालेंगे और ये रोटेट करेगा तो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेट, जो मैग्नेटिक ओर जो थी वो यहाँ चिपकी रहती है ना, वो चिपकी हुई आगे बढ़ जाएगी, और जो गैंग है वो नॉन मैग्नेटिक है, वो यहाँ जमा हो जाएगी, जब ये रोटेट करेगा तो गैंग जो है वो नहीं चिपकी,
इट विल नॉट स्टिक विद द बेल्ट तो इट विल फॉल डाउन वेयर द ओर इज स्टिकिंग विद द बेल्ट सो इट विल रिमेन विद द बेल्ट फॉर सम अप टू सम डिस्टेंस फिर वो आगे जाके गिरेगी जहाँ पे वो अट्रैक्शन क्या हो गया जो अट्रैक्शन कम हो गया वहाँ जाके वो ढेर बना लीजिए अपना तो ये नॉन मैग्नेटिक गैंग और ये मैग्नेटिक ओर तो हाउ इट इज डन के क्या नाम है द बेल्ट जिसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे कन्वेयर बेल्ट अ कन्वेयर बेल्ट रोटेट्स ऑन टू रोलर विच वन ऑफ द रोलर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीटेड तो वेन द ओर इज पाउडर रोल्ड ओर इज क्रश्ड इन पाउडर एंड एडिड ऑन दैट बेल्ट तो वेन द बेल्ट रोटेट तो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट द मैग्नेटिक ओर रिमेन अट्रैक्टेड विद द रिमेन स्टिक विद द बेल्ट इट फॉल्स एट अ लार्जर डिस्टेंस एंड वेयर इज नॉन मैग्नेटिक गैंग फॉल्स जस्ट बिलो द क्या नाम बेल्ट दस है वेयर इट इज रोटेटिंग ये अब फॉल्स एट डिफरेंट प्लेस दोनों लिख दो दे फॉल ड्यू टू अट्रैक्शन द ओर एंड गैंग फॉल एट डिफरेंट प्लेसेस तो ये कहलाता है मैग्नेटिक सेपरेशन ठीक है और हाइड्रोलिक वॉशिंग कभी यूज करते हैं वेन द ओर इज हैवी एंड गैंग इज लाइट और उसके बाद एक और मेथड है कि ओर अगर सल्फाइड ओर है क्या सल्फाइड ओर जैसे ये जिंक है इसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं ओर को जिंक ब्लेंड ठीक है या Fe(S2) आयरन पाइराइट क्या कहलाता है ये आयरन पाइराइट यानी ये जो सल्फाइड के फॉर्मूले में S आ जाए तो वो सल्फाइड कहलाता है जैसे ZnS जिंक सल्फाइड MgS मैग्नीशियम सल्फाइड तो ये सल्फाइड ओर जो है अगर नॉन सल्फाइड ओर के साथ मिक्स है तो सल्फाइड ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम ए नॉन सल्फाइड गैंग हमें वाइस वर्सा भी हो सकता है यानी गैंग सल्फाइड है और जो नॉन सल्फाइड है तब भी हम ऐसा कर सकते हैं इसको करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रेशर से कौन से मेथड से फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस द सल्फाइड ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन सल्फाइड गैंग बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या फ्रोथ कहते हैं झाग को इसमें क्या होता है कि सल्फाइड ओर हैज ए प्रॉपर्टी इट स्टिक इट बिकम वेट बाय द ऑयल और जो ऑयल यूज करते हैं वो पाइन ऑयल है जनरली पाइन ऑयल जनरली ये वाला ऑयल यूज करते हैं ये जब इसमें हवा बबल करते हैं झाग बन जाता है और सल्फाइड ओर की प्रॉपर्टी है वो इन झाग से चिपक जाती है नॉन सल्फाइड है उससे आप कहोगे जैसे होता क्या है कि लिक्विड है तो दोनों जैसे आपने मरकरी ली मरकरी को आप हाथ पे डालेंगे किसी कपड़े पे डालेंगे तो हाथ से नहीं चिपकेगी वो हाथ को गीला चिपकने के वाले उसे गीला कर रहा है उससे स्टिक कर रहा है तो जब जो चीज़ इसको कहते हैं कि जो गीला कर रहा है वो ही वेट कर रहा है उसको जो गीला नहीं कर रहा उसे वेट तो सल्फाइड ओर बिकम वेट बाय पाइन ऑयल यानी पाइन ऑयल उससे चिपक जाता है नॉन सल्फाइड ओर डज नॉट बिकम वेट विद पाइन ऑयल तो इसमें करते क्या है कि सल्फाइड ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम अ नॉन सल्फाइड गैंग बाय यूजिंग क्या फ्रोथ बाय फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस दैट इज बाय फॉर्मिंग फ्रोथ अब इसमें होता क्या है इस फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस में एक टैंक होता है उस टैंक के अंदर क्रश एंड पाउडर ओर डाल देते हैं और पानी डालते हैं बहुत सारा और उसके ऊपर पाइन ऑयल डाल देते हैं क्या डाल देते हैं पाइन ऑयल फिर इसमें ब्लोवर्स के जरिए बहुत फास्ट मूविंग हवा पास करते हैं आपने देखा होगा साबुन का सॉल्यूशन होता है फिर हम उस साबुन के सॉल्यूशन में पाइप उसके जरिए जो क्या बोलते हैं स्ट्रॉ के जरिए हम हवा पास करें क्या होता है उस सॉल्यूशन में बबल्स बन जाते हैं ना झाग बन जाते हैं बहुत सारे तो यहाँ पे जब हम एयर पास करते हैं कॉम्प्रेस्ड एयर इससे कौन सी एयर प्रेशर के साथ कॉम्प्रेस्ड एयर जब हम पास करते हैं तो इसमें से जब एयर बाहर निकलती है ये एयर बाहर निकल रही है तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे क्या बन जाते हैं झाग बन जाती और जब एयर प्रेशर के साथ पास होती है तो जो ओर एंड गैंग का मिक्सचर है पाउडर शक्ल में वो भी क्या नाम है सब इसमें वो तैरने लगता है स्टार्ट फ्लोट
क्या नाम है फ्लोटिंग इन द लिक्विड। तो जो ओर होती है वो गेंद से चिपक जाती, उससे कहीं से फ्रोथ से, यानी फ्रोथ कंटेनिंग ओर, कंटेनिंग ओर वो इससे चिपक जाती है मोस्ट ऑफ द गेंद। द सल्फाइड ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन सल्फाइड गेंद बाय फॉर्मिंग फ्रोथ, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, क्योंकि वो फ्लोट कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है कि द ओर इज टेकन इन ए टैंक वाटर फिल्ड विद वाटर, देन पाइन ऑयल इज एडिड ऑन द टैंक एंड कॉम्प्रेस्ड एयर इज बबल्ड, व्हेन वी कॉम्प्रेस्ड एयर इज बबल द पाइन ऑयल फॉर्म द फ्रोथ एंड विद दिस फ्रोथ ऑयल इज ओर पार्टिकल स्टिक वेर एज गेंग पार्टिकल डू नॉट स्टिक। तो ये जो ओर है ये हम सेपरेट कर लेते हैं एक दूसरे टैंक में पानी में आहिस्ता आहिस्ता, तो ग्रेजुअली डी फ्रोथिंग टेक्स प्लेस होती है, यानी स्रोत खत्म हो जाता है और पार्टिकल क्या हो जाते हैं आफ्टर डी फ्रोथिंग और पार्टिकल सेटल डाउन, है ना, एंड दस दे आर सेपरेटेड फ्रॉम गैंग बिकॉज गैंग इज लेफ्ट इन द फर्स्ट टैंक और इज सेपरेटेड, बब हमने फ्रोथ अलग की है उसमें और दी आ गई। तो पाइन सल्फाइड और इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉन सल्फाइड गैंग बाई यूजिंग क्या, बाई फॉर्मिंग फ्रोथ एंड द मेथड इज नोन एज फ्रोथ फ्लोटेशन। नॉन सल्फाइड है अगर दोनों, ये मेथड यूज नहीं होगा, दोनों सल्फाइड हैं और गैंग, तो दोनों पार्टिकल फोर्थ और के भी और गैंग के भी फ्रोथ से चिपक वो हो जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, तो दोनों ही साथ रहेंगे सेपरेट नहीं होंगे। अब इन इसके अलावा और भी बहुत से मेथड है, तो ये मेन दो तीन चार मेथड हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे मेथड हैं, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ दी ओर एंड नेचर ऑफ दी गेंग। अब जैसे एल्युमिनियम की ओर है, एल्युमिनियम की ओर को हम बॉक्साइट कहते हैं, उसका फॉर्मूला है Al2O3.H2O। वैसे ये कंपाउंड जब हम केमिकली बनाते हैं एल्यूमिना कहते हैं, क्या एल्यूमिन, जब ये जमीन से निकलते हैं हम बॉक्साइट बोलते हैं, फॉर्मूला Al2O3 है। अब ये एल्युमिनियम ना तो एल्युमिनियम ना उसके कंपाउंड, उनमें कोई भी मैग्नेटिक नहीं है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कैन वी यूज, ना तो ये कम और मैग्नेटिक है और ना इसके साथ जो रेत और मिट्टी है वो भी मैग्नेटिक नहीं है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन कैन नॉट बी यूज। अच्छा, रेत और मिट्टी या जो होता है वो हल्का होता है और ये खुद भी एल्युमिनियम की और हल्की है, तो कैन वी सेपरेट बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग, क्योंकि हाइड्रोलिक वॉशिंग में दोनों ही लाइटर हैं, दोनों ही पानी बहाएंगे तो और के साथ गैंग के साथ और भी बह जाएगी, फ्रोथ है नहीं, फ्रोथ बने फ्रोथ रोटेशन हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पेसिफिकली कहाँ यूज होता है, सल्फाइड ओर में यूज होता है। ये ध्यान रखना प्रिंसिपल इसका, नेचर ऑफ द ओर डिपेंड डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग, ये ध्यान रखिएगा, फिर वो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होना चाहिए। तो इसको हम केमिकल मेथड से यूज करते हैं, केमिकल मेथड और वन ऑफ द मेथड, दो तीन मेथड हैं इसमें यूज होते हैं, वन ऑफ द मेथड को हम बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस, और भी कई मेथड है इसको कॉन्सेंट्रेट करने के। इसमें हम एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है इसको हम कास्टिक सोडा में डिजोल्व करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कास्टिक सोडा में डिजोल्व होके वाटर सोल्यूबल एक कंपाउंड बना देता है, कास्टिक सोडा क्या है NaOH है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें हमने डाल दिया, बॉक्साइड जिसे बोलते हैं। तो अब क्या होगा जी, आपको पता है एल्युमिनियम ऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड है, एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल या एम्फोटेरिक, कौन सा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, दो रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस अल्कलीज, है ना, तो ये अल्कली से रिएक्ट करेगा और ये कंपाउंड बनाएगा NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। ये बात समझ में आ गया, क्या बनाएगा ये, सोडियम, और ये वाटर सोल्यूबल होता है, सोडियम के सारे कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होते हैं ऑलमोस्ट, तो ये पानी में घुल जाएगा, गैंग मिट्टी या सैंड जो भी कुछ है वो पानी में नहीं घुलेगी, फिर हम इसको फिल्टर कर लेंगे, और जब हम इसको फिल्टर कर लेंगे तो सॉल्यूशन जो है उसमें और भी होगी शामिल सोडियम एल्युमिनेट की शक्ल में, जो पानी जो लिक्विड अलग होगा उसमें पानी के साथ सोडियम एल्युमिनेट उसमें घुला हुआ है, तो जब उसको अलग कर लेंगे तो उसमें हम या तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं,
ठीक है, या बहुत सारा पानी डालते हैं, थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डालते हैं, इसको बहुत सारा पानी डालते हैं, तो ये क्या होता है, रिएक्शन होती है और Al2O3 अलग हो जाता है और NaOH अलग हो जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। अच्छा, अगर हम HCl डालें इसमें, HCl भी थोड़ा सा डालते हैं, तो क्या होगा, ये पानी भी डालते हैं, HCl भी डालते हैं, तो और पानी भी डालते हैं इसमें, तो क्या बनेगा, Al2O3 प्लस NaCl प्लस NaCl, और क्या बनेगा, हैं, एक कंपाउंड और बनेगा, बैलेंस कैसे होगा, ये बैलेंसिंग इसकी हमने करनी है। एक मिनट रुक जाओ, अभी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 2 आएगा। अच्छा, HCl रिएक्शन की उसके लिए करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, Na Al2O3 2NaCl प्लस होगा, ठीक है, ऑन कर दिया, पहले ऑफ कर दिया था, ठीक है, तो क्या हो गया, देखो आप ध्यान से देखो, Al2O3 बन जाएगा वापस, सॉल्ट प्योर फॉर्म में आ गया, और क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम, और ये क्या बन जाएगा, NaCl, है ना, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर। ये बात समझ में आ गई है, ये वाटर में सोडियम क्लोराइड पानी में घुला होता है, वहीं रहेगा, पानी के साथ ही रहेगा, और NaAl2O3 सॉलिड होता है, क्योंकि इनसॉल्युबल होता है पानी में, ये नीचे बैठ जाएगा, तो ये कौन सा मेथड कहलाता है, बेयर्स। अब ये डिटेल बेयर्स प्रोसेस के हमारे कोर्स में नहीं है, इतना याद रखो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बॉक्साइड और जो है, इट इज़ कॉन्सनट्रेटेड बाई विच मेथड, केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड के ही यूज़ होते हैं, ये नहीं, अलग अलग मेथड अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, तो वन ऑफ द कॉमनली यूज मेथड इज बेयर्स प्रोसेस, वेयर इट इज डिजॉल्व और इज क्या है, मिक्स विद या डिजॉल्व इन कास्टिक सोडा, और इज डिजॉल्व इन कास्टिक सोडा, इट फॉर्म एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट विच इज सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करेंगे मिट्टी अलग हो जाएगी, एंड देन इन दिस सॉल्यूशन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड इन, वेरी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पानी पहले से भी था और पानी और डाल देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, और ये रिएक्शन होती है, सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है, पानी में डिजोल्व रहता है, पानी में क्या रहता है, वो डिजोल्व, ये नहीं सॉलिड फॉर्म में जमा होगा, तो पानी उसके अंदर है, सोडियम क्लोराइड जब केमिकल रिएक्शन से बनेगा तो पानी के अंदर डिजॉल्व हालत में बनेगा, तो पॉइंट समझ में आ गई। तो कॉन्सनट्रेशन ऑफ दी ओर जो है, हमने उसमें चार मेथड बताए, इसमें तीन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि वो रिलेटेड है, चौथा जो है उसका आइडिया दिया है, बट वी शुड नो दिस के कॉन्सनट्रेशन के बहुत सारे मेथड हैं, एक दो नहीं है, 10-15-20 मेथड से ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे जो इम्पॉर्टेंट मेथड हैं जो जनरली यूज़ होते हैं, उसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज़ होता है, दूसरे नंबर पे मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, और तीसरे नंबर पे फ्लोट फ्लोटेशन, और केमिकल मेथड हर एक का अलग अलग है, केमिकल मेथड बहुत जगह यूज़ होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सा मेथड होगा, उसमें कौन सा केमिकल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे दी कि एल्यूमिनियम और जिसे बॉक्साइड कहते हैं, उसमें हम कास्टिक सोडा से डिजॉल्व करके अलग करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, यानी बॉक्साइड को ही प्योरीफाई करने के लिए कोई और केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग, वो अलग मेथड अलग नाम से पुकारा जाएगा, किससे पुकारा जाएगा, वो अलग नाम से, नॉट सेम नेम। ये बात समझ में आ गई है, तो अब ये क्लियर हो गया कि हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज़ करते हैं, द ओर इज हैवियर देन गैंग, यानी इनकी डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हैवीनेस बताती है, कौन भारी है कौन हल्का है। मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करते हैं, और शुड बी मैग्नेटिक, हैज शुड हैव अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंड गैंग शुड बी नॉन मैग्नेटिक। फ्लोट फ्लोटेशन का यूज़ करते हैं,
सल्फाइड ओर में, जो नॉन गैंग शुड बी नॉन सल्फाइड. क्यों? क्योंकि जो सल्फाइड ओर है इट बिकम वेट विद पाइन ऑयल, विद पाइन ऑयल, तो फ्रोथ के साथ चिपक जाती है. वहाँ चिपक गई वो अलग हो जाएगी, उसको हम अलग कर लेंगे, गैंग अलग हो जाएगी. ये पॉइंट समझ में आ गया? तो जब ओर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है रोस्टिंग ऑफ द ओर एंड कैल्सिनेशन, इनमें से कोई एक. क्योंकि जो भी ओर हम लाएं किसी मेथड से भी हमने कॉन्सेंट्रेट किया उसमें मॉइस्चर ज़रूर होता है, चाहे वो प्रोसेस के अंदर मॉइस्चर आया हो और चाहे वो पहली ज़मीन के अंदर हो. और उसमें कुछ और भी ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो फर्स्ट स्टेप में अलग नहीं होती और वो वोलेटाइल होती हैं. वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं जो गर्म करने पे वेपर्स बन के निकल जाएं. जैसे तेल पड़ा हुआ है, आपने बहुत जोर से हीट करा, बहुत देर तक स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी, तो वो ऑयल ऑयल जो था वो वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि वो वोलेटाइल है. वोलेटाइल कहते हैं जो आसानी से वेपर्स बन जाए. तो उसको देखते हुए हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर ओर को हीट करते हैं, या तो प्रेजेंस ऑफ एयर में या लिमिटेड एयर में. प्रेजेंस ऑफ एयर में अगर हीट करेंगे तो उसे बोलेंगे रोस्टिंग, और लिमिटेड एयर में करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन. इसमें यह समझ लीजिए इन दोनों के अंदर जो रीज़न है वो सेम है, रीज़न सेम है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं ऑक्सीजन चाहिए, कहीं ऑक्सीजन लिमिटेड है, नहीं चाहिए या नहीं चाहिए. तो जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ ओपन एयर में हीट करेंगे ताकि पूरी ऑक्सीजन मिल जाए हवा की, और जहाँ नहीं चाहिए ऑक्सीजन या लिमिटेड चाहिए वहाँ पे हम ऊपर एक मतलब छत की तरह रूफ होती है नीचे, उसके ऊपर जो आपका वो जो होता है फर्नेस, जो होता है फर्नेस के ऊपर एक रूफ होती है कि पूरी खुली हवा में नहीं चाहिए, साइड से थोड़ी हवा आएगी और वो थोड़ी बहुत हवा ज़रूरत होगी उससे वो फ्यूल जलता रहेगा, लेकिन और उस ऑक्सीजन की ज़रूरत और को नहीं. तो क्या है नेक्स्ट प्रोसेस? आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन द ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, देन दैट इज नोन एज, दैट प्रोसेस नोन एज रोस्टिंग. रोस्टिंग की सिंपल एग्जांपल आपके आप जानते हैं, आप देखते हो कि पॉपकॉर्न जो आते हैं भुट्टा जिसे कहते हैं, वो आग के ऊपर रख के वो उसको डालते हैं, उसको भूनते हैं, वो रोस्टिंग है. आग के ऊपर ढक के खुले उसमें आग रखी हुई है किसी उसके ऊपर, क्या नाम है, कोई भी कंटेनर होता है या कोई भी चीज़ होती है ना, और उसके ऊपर वो भुट्टा रख के उसको भूनते हैं. या आपने देखा होगा शादियों के अंदर चिकन या क्या नाम है आपका चीज़ को भुना जाता है आग के ऊपर, रोस्टेड चिकन बोलते हैं उसे हम, या रोस्टेड चीज़ बोलते हैं पनीर. तो आग के ऊपर जब हम करते हैं, क्यों करते हैं, उसका रीज़न एक ही है. डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग. और द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन लिमिटेड एयर और नो एयर, उसे क्या बोलते हैं हम? क्या? कैल्सिनेशन. आफ्टर रोस्टिंग द ओर इज कॉल्ड रोस्टेड ओर, और आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन द ओर इज कॉल्ड कैल्सिनेटेड ओर. व्हाई इट इज डन? ये डेफिनेशन तो हो गई, क्यों करते हैं, तीन दोनों का रीज़न सेम है. और को क्यों, क्या हम उसमें करते हैं, क्या नाम है, इसमें मेन रीजन जो है और को वो करने के, नंबर वन, पहले जब हम हीट करेंगे तो मॉइस्चर अलग हो जाएगा, टू रिमूव क्या, मॉइस्चर, पानी जो होगा हीट करेंगे वो वेपराइज हो जाएगा. दूसरा, टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जो अलग नहीं हुई थी लेकिन गर्म करने पे ही अलग हो जाती है, तो उन्हें वोलेटाइल इम्प्योरिटीज कहते हैं, जो वेपर्स में आ जाए गर्म करने पे, वो ज़रूर थोड़ी बहुत होती हैं, मॉइस्चर तो होता ही होता है. ठीक है, टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, ठीक है. तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू कन्वर्ट और into reducible form, into easily reducible form. ये समझ लो, ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, reducible form. यानी और का जो लास्ट सेकेंड लास्ट स्टेप है रिडक्शन ऑफ दी ओर, आसानी से और कंपाउंड मेटल में बदल जाए, तो वो आसानी से बदल जाए उसके लिए हमें ऐसी किसी फॉर्म में बदलना पड़ता है जहाँ आसानी से रिएक्शन हो जाए. अब इसको समझ लो ध्यान से, देखिए आप जो कार्बोनेट्स हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट है,
इसको आप हीट करके डिकम्पोज तो कर सकते हैं, लेकिन आप बिना हीट किए आप चाहे इसको हम कार्बन से रिड्यूस करा दें तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जब हम इसको हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, कार्बोनेट्स की प्रॉपर्टी उनको बिना क्या नाम है हवा के कम या लिमिटेड एयर में हीट करें तो डिकम्पोज हो जाते हैं सारे कार्बोनेट्स। फ़र्क ये है कि जो सोडियम पोटाशियम के कार्बोनेट्स हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, लेकिन बाकी मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे डिकम्पोज हो जाते हैं और ये बनाते हैं ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्साइड रहता है। ये बात समझ में आ गई। जब ये जो ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ खाली हीट करें तो कार्बन आसानी से जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ये मैं पॉइंट बाद में डिस्कस करूँगा। तो ऑक्सीजन इधर चली जाएगी और जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, मेटल मिल गया। तो ये इजीली रिड्यूस नहीं हो रहा था, कार्बन के साथ हीट करेंगे कोई फ़ायदा नहीं, हो गए नहीं रिड्यूस। कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स जो हैं वो आसानी से रिड्यूस नहीं होते, लेकिन अगर इन्हीं कार्बोनेट और सल्फाइड्स को हम हीट कर दें इन एब्सेंस ऑफ एयर या एक्सिंग या एयर के साथ, सल्फाइड्स में एयर चाहिए, सल्फाइड में ऑक्सीजन चाहिए, कार्बोनेट में ऑक्सीजन की ज़रूरत, तो कार्बोनेट्स आर जनरली कैल्सिनेटेड एंड सल्फाइड्स आर जनरली, क्योंकि इसमें हाउ ऑक्सीजन चाहिए, आर जनरली वॉट रोस्टेड। जब हम इसको हीट करेंगे तो ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सल्फर की और एफिनिटी ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है, तो जिससे एफिनिटी होती है कंपाउंड उसके साथ आसानी से बन जाता है। तो सल्फर की एफिनिटी जिंक से कम है, ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो जब हीट करेंगे तो सल्फर जिंक के इससे निकल के डबल कैम में आ जाएगी, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, और ये जो जिंक है ये भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ये भी मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ये ऑक्साइड बना देगा। लेकिन पहले सल्फाइड था, अब ये कैम बदल गया ऑक्साइड में, और ऑक्साइड को रिड्यूस करना आसान है, सल्फाइड को रिड्यूस करना किसी इजी तरीके से बहुत मुश्किल है, इट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी। लेकिन जब ये अच्छा ऑक्साइड बनाने में कोई खास खर्चा नहीं हो रहा, सिर्फ आपको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एयर अगर कार्बोनेट है या लिमिटेड एयर, या इन प्रेजेंस ऑफ एयर अगर ऑक्साइड सल्फाइड है और अगर कार्बोनेट है तो लिमिटेड एयर, उसको हीट करना है तो अपने आप ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो हम जो ओर को रोस्ट करते हैं या कैल्सिनेशन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ताकि इम्प्योरिटीज़ निकल जाए, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है, मॉइस्चर है, और ओर जो है वो किस फॉर्म में आ जाए, आसानी से वो मेटल में कन्वर्टेबल फॉर्म में आ जाए, इसमें आसानी से मेटल बन जाए बाद में इजीली। कौन सी फॉर्म बोली मैंने, रिड्यूसिएबल फॉर्म। अच्छा एक और वजह भी है, कहीं पर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो रोस्ट करने से या कैल्सिनेशन, इन रोस्ट और कैल्सिनेशन में फ़र्क क्या है, एक में ऑक्सीजन चाहिए, एक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी लिमिटेड ऑक्सीजन, तो कभी कभी इम्प्योरिटीज़ को ऑक्सीडाइज करना आसान होता है, तो वहाँ भी हमें ऑक्सीजन चाहिए या लिमिटेड एयर चाहिए। जैसे आयरन की ओर जो होती है उसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं कि अगर हम उनको एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज होकर बाहर निकल जाती है, तो ओर जो होती है आयरन की उसमें इम्प्योरिटीज कम हो जाती है, मतलब वो ओर जो आयरन की है वो मेटल में नहीं बदलेगी, लेकिन जिस वो उसके साथ जो बहुत सी इम्प्योरिटीज थी वो ऑक्सीडाइज होकर बाहर निकल गई, तो जो मेटल के जो ओर है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी विद लेस इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो कभी कभी इम्प्योरिटीज़ को भी देखते हुए हम रोज क्या कैल्सिनेशन करते हैं ताकि इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज होके बाहर निकल जाए, हाँ गैस की शक्ल में। तो रोस्टिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग, कॉन्सेंट्रेटेड ओर, जो ये प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन के बाद आता है। और दूसरा क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इन लिमिटेड एयर नो एयर, किस ओर को हम जनरली को रोस्ट करते हैं, सल्फाइड्स ओर आर जनरली रोस्टेड,
लेकिन कभी कभी ऑक्साइड को भी रोस्ट करना होता है प्रोवाइडेड इम्प्योरिटीज जो हैं वो आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बाहर निकल सकती है। जैसे आयरन की ओर है उसकी कैल्सिनेशन नहीं करते उसकी रोस्टिंग करते, तो अगर आयरन के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके गैस की शक्ल में ऑक्सीडाइज होकर बाहर निकल जाती है। द जनरली सल्फाइड्स और आर रोस्टेड, समटाइम्स सम इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट विच कैन बी रिमूव बाई रोस्टिंग, कभी कभी वहाँ भी करते हैं ठीक है, लेकिन सल्फाइड में तो रोस्टिंग करते ही करते हैं। अगर ओवर सल्फाइड है तो उसको, क्योंकि वाई सल्फाइड फॉर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, बिकॉज रिडक्शन ऑफ अ सल्फाइड ओवर टू मेटल इज वेरी डिफिकल्ट, इट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी एंड कॉस्ट दोनों, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी महंगा होगा। कार्बन बहुत ज़्यादातर जगहों पर हम कार्बन को भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, वो बहुत सस्ता होता है, लेकिन सल्फाइड ओर को हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? तो मैं क्या बता रहा था कि व्हाट टाइप ऑफ ओर्स आर रोस्टेड, जनरली सल्फाइड ओर आर रोस्टेड, बट समटाइम्स विद विद क्या नाम है ऑक्साइड्स ओर आर ऑल्सो रोस्टेड प्रोवाइडेड दे हैव इम्प्योरिटीज विच इजीली ऑक्सीडाइज एंड चेंज इनटू गैस। तो ऑक्साइड से भी कभी कभी हम रोस्टिंग करते हैं, लेकिन सल्फाइड से तो करते ही करते हैं। और कौन सी ओर की कैल्सिनेशन करते हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं चाहिए? तो कौन सी ऑक्सीजन ओर है जो बिना ऑक्सीजन के ऑक्साइड में बदल जाएगी? कार्बोनेट्स, क्यों? कार्बोनेट्स को जब भी हीट करोगे वो अपने आप ही ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई? तो कार्बोनेट्स ओर आर जनरली कैल्सिनेटेड। वाई वी डू दिस टू प्रोसेस, इनके रीजन सेम है। वाई वी डू रोस्टिंग? टू रिमूव मॉइस्चर, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज एंड टू कन्वर्ट ओर इन टू ईजिली रिड्यूसेबल। आप लिखेंगे सल्फाइड कैन नॉट बी रिड्यूस, बट आफ्टर रोस्टिंग इट चेंजेस इन टू ऑक्साइड विच कैन बी ईजिली रिड्यूस। कैल्सिनेशन में क्या रीजन बताएंगे आप? कैल्सिनेशन इज डन टू रिमूव, नहीं वही आएंगे तीनों, टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द ओर, टू रिमूव वॉलेटाइल इम्प्योरिटी जो गर्म होकर निकल जाती है, रीजन सेम है, एंड टू रिमूव टू कन्वर्ट और इन टू इजिली रिड्यूसेबल फ्रॉम, देन यू हैव टू मैंशन कि कार्बोनेट्स कैन नॉट बी इजिली रिड्यूस है ना, बट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड दे कैन बी इजिली रिड्यूस। ये बात समझ में आ गई? तो जो वजह है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की, उसमें मॉइस्चर को हटाना, वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज को हटाना और इजीली रिड्यूसेबल फॉर्म में लाना ताकि आसानी से रिड्यूस हो जाए। ये बात समझ में आ गई? फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन ऑफ द ओर इनटू मेटल। काइन पे डिपेंड करता है रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ओर, नेचर ऑफ द ओर एंड नेचर ऑफ द मेटल, यानी ओर उसके अंदर पाया जाने वाला मेटल उसको भी देखना पड़ता है। ये नहीं क्या और जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में, तो ये भी देखो उसमें मेटल कौन सा है, यानी मेटल को भी सामने। अब जैसे जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों ऑक्साइड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और जिंक बहुत कम रिएक्टिव है, तो और को भी देखना पड़ता है कि और किस फॉर्म में, ऑक्साइड की शक्ल में है, क्लोराइड की शक्ल में है या किसी और फॉर्म में, और उसमें पाए जाने वाला मेटल। तो रिडक्शन ऑफ द ओर इज डिटरमाइंड बाय द मेथड विच इज यूज टू डिटरमाइन द टू रिड्यूस द ओर कॉन्सेंट्रेटेड ओर आफ्टर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज? क्योंकि हम जिसको देख रहे हैं उसी का एक पार्ट को अलग से भी देख रहे हैं, यानी जैसे जिंक ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे होल देख रहे हैं, क्योंकि और कौन सी है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसी का हिस्सा मैग्नीशियम है, ठीक है ना। तो डिफरेंस इसमें क्या आएगा? डिफरेंस आते हैं, दो चीज़ें अलग अलग मिक्स हैं लेकिन हैं अलग अलग, अपनी आइडेंटिटी रखी है तब हम कहेंगे इनमें डिफरेंस है, ये मैग्नेटिक है ये नॉन मैग्नेटिक है। लेकिन ये तो एक ही और है ना, इसका एक हिस्सा मैग्नेटिक मैग्नेट से बनी है, मैग्नीशियम से बनी है, ये एक और है जिंक ऑक्साइड, ये जिंक से बनी है। तो इसमें नेचर ऑफ दी और भी देखते हैं, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, क्लोराइड है। बात समझ में आया? ये तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ और
एंड नेचर ऑफ मेटल प्रेजेंट इन ओर, यानी जो मेटल ओर के अंदर है वो कौन सा है। ये नहीं कि ऑक्साइड ओर है तो एक ही मेथड यूज होगा, समझ में आया, कि जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन से हीट करके जिंक बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो जब रिएक्शन होगी हीट करने पे तो जिंक हो जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड ये इससे मिल जाएगा, तो किसकी ज्यादा रिएक्शन है। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन से हीट करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीशियम की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है कार्बन के कंपेरिजन में, तो क्योंकि ऑलरेडी मैग्नीशियम की एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन ज्यादा एफिनिटी वाले को छोड़ के कम एफिनिटी वाले के साथ कंबाइन नहीं करेगा, यानी रिएक्शन होगी नहीं, यहां हो जाएगी, जो कि जिंक की एफिनिटी कम है ऑक्सीजन से और कार्बन की एफिनिटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कम एफिनिटी वाले को छोड़कर किस पे चली गई, जो ज्यादा एफिनिटी है जिसकी। तो व्हाट इज रिएक्शन ऑफ द ओर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओर कंपाउंड ऑफ द ओर इनटू मेटल, कंपाउंड ऑफ द ओर इनटू मेटल बाय सूटेबल मेथड, उसको कहते हैं रिएक्शन ऑफ द ओर। आप कहोगे जी रिएक्शन क्यों बोलते हैं, अब जैसे आपने जिंक है, जब आपने इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया आपने क्या बोला था इसको, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नेगेटिव रेडिकल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस केस में ऑलरेडी कंपाउंड है, जो मेटल के साथ नेगेटिव पार्ट है उसे हटाना है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नेगेटिव रेडिकल फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड, इसलिए यहाँ पे बोला रिएक्शन ऑफ द ओर, therefore the process is called reaction of the ore, or in this process the oxygen or negative radical is removed from the compound। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। कहीं पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द कंपाउंड एंड नेचर ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द कंपाउंड। वी विल नॉट से डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज, क्योंकि दे डोंट हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, वो उसी में ओर के अंदर जो मेटल है उसको भी देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल देख के समझाएंगे कि जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाई कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस बाई कार्बन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस बाई कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं बोथ दो, ऑल दीज आर ऑक्साइड्स, बट जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाई कार्बन, कॉपर ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाई कार्बन, समझ में आई बात ये, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस बाई कार्बन, बिकॉज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू कार्बन, तो कम ज़्यादा एफिनिटी वाले को छोड़ के कम एफिनिटी वाले के साथ कम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, कम स्टेबल होगा, तो ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल कंपाउंड कभी नहीं बनता, ये केमिकल रिएक्शन का जनरल वो है प्रोसेस। तो जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कि जिंक जो कार्बन का ऑक्साइड है वो ज़्यादा स्टेबल है और जिंक ऑक्साइड वो कम स्टेबल है, तो कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बन गया। कॉपर ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस विद कार्बन, ये बात समझ में आ गई। तो रिएक्शन ऑफ द ओर का मतलब समझ में आ गया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मेटल कंपाउंड इनटू मेटल बाय सूटेबल मेथड। अब वो मेथड अलग अलग होते हैं, ठीक है, और वो जो मेथड है द मेथड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द ओर, कंपाउंड की जगह मिले ओर ब्रैकेट में कंपाउंड लिख दो, एंड नेचर ऑफ द मेटल प्रेजेंट विद द ओर, प्रेजेंट इन द ओर, प्रेजेंट इन द ओर, नॉट विद द ओर, मीन द इन द ओर, ओर में जो मेटल पाया जाता है। अब इसमें हमने तीन डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करा है, ओर्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, दूसरा ग्रुप है होल्स ओर्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। ओर्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे ओर्स ऑफ सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल की ओर है, तो इनका जो कंपाउंड है वो बहुत स्टेबल होता है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की ओर में आपका आता है क्या, जिंक कॉपर एक्सेट्रा, समझ में आ गई। ऑल्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, तीसरा ग्रुप, और चौथा ग्रुप है जो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो तो मिलते ही एलिमेंट्री फॉर्म में, ज़्यादातर उनको रिड्यूस करने की ज़रूरत
नहीं होती, देखो उसमें ऑक्सीजन उनके ना कोई नेगेटिव रेडिकल होते नहीं, तो एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो एलिमेंट्री फॉर्म में से मेटल में से मेटल थोड़ी निकलेगा। तो मेनली तीन ग्रुप, हाईली रिएक्टिव मेटल, ओर्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, दूसरा ओर्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, और तीसरा ओर्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।